ये देखिए क्या देखने को मिला मुझे। ये तो चल भी रहा है, लगता है खाएंगे इसे। अंदर काफी रश भी लग रहा है। देखिए प्रेस करें और ये गेट ओपन हो जाता है। काफी भीड़ भी है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर जो है अंदर का लगा मुझे। ये देखिए शुगर केन कितनी सफाई से बन रहा है। ये देखिए शुगर केन, देखिए कितना अच्छा मौसम है। और ये देखिए लोग टुक टुक का मजा ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं जी सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज ये हुई है एक नई सुबह और ब्रेकफास्ट करेंगे अपने वही जो है ये रूम से, जहाँ हमने कमरा लिया है उसका नाम है बैंकॉक कैनल होम। ब्रेकफास्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे आज बैंकॉक। मौसम बहुत अच्छा है और चलेंगे आज एक नई जगह। देखिए कुछ ऐसा है अंदर का माहौल। ब्रेकफास्ट करते हैं होटल से और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं एक नई जगह। मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स हमने ये होटल को चेकआउट कर दिया है। चेकआउट करने का कारण ये नहीं है कि ये होटल जो है अच्छा नहीं है, कारण ये है कि अब हम जा रहे हैं काउसान के बिल्कुल ही पास। हॉस्टल है जो बहुत ही चीप है और बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर। और ये देखिए क्या देखने को मिला मुझे, ये तो चल भी रहा है, लगता है खाएंगे इसे। देख लीजिए थाईलैंड में लोग क्या क्या खाते हैं। आना चाहते हैं फिर भी आप थाईलैंड में? चलिए मैं बता रहा था कि अपना जो चेकआउट कर लिया मैंने और एक नया हॉस्टल जो है काउसान के बिल्कुल ही पास में है, उसका नेम है बेड स्टेशन काउसान। बेड स्टेशन हॉस्टल काउसान, रिव्यूज़ में तो मैंने देखा था बहुत ही अच्छा था, बाकी जाकर बताएंगे कि कैसा है वो नया हॉस्टल। अपना सामान वहाँ रखेंगे और चलेंगे कहीं बाहर एक्सप्लोर करने, बैंकॉक सिटी। बहुत गर्मी है पर सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे था हमारा जो हॉस्टल था। और यहाँ पर रखेंगे अपना सामान और चलेंगे थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने। वो रहा हमारा हॉस्टल जिसका नाम है बेड स्टेशन हॉस्टल। रिव्यू उसमें काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने ये बुक कर लिया। बाकी रह के ही एक्सपीरियंस होगा कि कैसा है ये हॉस्टल। दिखाते हैं आपको अंदर से, चलते हैं। ये गली बनी हुई है बेड स्टेशन हॉस्टल की, देखते हैं कैसा है अंदर और दिखाते हैं आपको भी। और अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है इसका, बेड स्टेशन का स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है। और ये अच्छा सेटअप है देखने को लग रहा है, देख सकते हो।
और म्यूजिक भी चल रहा, अच्छा क्लाइमेट लग रहा, अंदर काफ़ी रश भी लग रहा है। और देखिए प्रेस करें और ये गेट ओपन हो जाता है। काफ़ी भीड़ भी है, देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। हाय, आई हैव बुकिंग फॉर टुडे। Can I see your booking number, please? Yes, sure. बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर जो है अंदर का लगा मुझे। At 3 p.m. Yeah, it says Wi-Fi password. Uh-huh. For now, you can put your bag in the luggage room. Okay. It's a luggage room on the first left behind the wall. The facility outside, feel free to use it before checking in. Okay, it's okay. Thank you. I just stored my luggage here. Yeah. I just come here for that. Okay, sure. No worries. Thank you. I can check in late if you want, because now I'm just going outside. Yeah, sure. Okay, thank you. और ये अच्छा लगा, कह रहे हैं कि अपना लगेज जो है स्टोर कर दीजिए। करते हैं लगेज स्टोर और फिर करते हैं 12 o'clock चेक इन। दोस्तों, मैं टैक्सी पकड़ के कौसान से यहाँ पर, ये वाली टैक्सी अभी उतारा है और प्लैटिनम में आ गया हूँ, जो कि प्रदुनाम में है। आज हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे, देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर मॉल है, बड़े बड़े मॉल्स हैं। करते हैं एक्सप्लोर और दिखाते हैं कैसा है ये देखने को अंदर। तो हम प्लैटिनम मॉल के अंदर आ गए थे, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें जो है सस्ती भी लग रही हैं और कुछ एक्सपेंसिव भी लग रही है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मॉल है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा रास्ता जो है वो कहाँ जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है ये मॉल, देख सकते हो आप कितना बड़ा है ये मॉल, कितने ज़्यादा फ्लोर हैं। और देखते हैं क्या क्या कुछ खास है इस मॉल में। और इसके बाद बाहर भी मार्केट लगी हुई है, ये प्लैटिनम मॉल है प्रदुनाम में। और इसके बाद चलते हैं बाहर, वहाँ पर भी बाज़ार लगा हुआ, देखते हैं फिर। देख सकते हैं कुछ ऐसा है ये बाज़ार, शॉपिंग के लिए हर चीज़ मिल जाएगी। शॉपिंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। बहुत ही बड़ा है, मैं तो घूम घूम के ही थक गया हूँ, कुछ समझ नहीं लग रही किस तरफ जाना है, बस चले जा रहा हूँ। आ सकते हैं आप भी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो, पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे को, जैसे इंडिया में मॉल होते हैं वैसे ही है, पर सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि यहाँ थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी मिल सकती है आपको और ज़्यादा वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटीज़ मिल सकती हैं। देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। हर तरह की बच्चों के कपड़े भी मिल सकते हैं। निकलते हैं यहाँ से, कुछ खास तो लगा नहीं है, और चलते हैं कहीं और बाहर नई जगह देखने। तो जा रहे हैं इस मॉल से बाहर,
क्योंकि ऐसे घूमना तो टाइम ही वेस्ट होगा हमारा, टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। और बाहर आ गए हैं तो ये बिल्डिंग्स नज़र आई है मेरे को, बड़ी सी प्लैटिनम मॉल के बाहर। और ये देखिए कुछ स्टॉल भी लगे हैं खाने के लिए, अगर आपको भूख लगी है या प्यास लगी है तो यहाँ पर खा सकते हैं। घूमते हैं, देखते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो खाते हैं। देख सकते हैं कि कैसा ये खाना, जो कि इनको पसंद है, इन लोगों को, थाई लोगों को। हाँ आइए, फ्रूट्स प्योर है, बहुत अच्छे, ये आप जरूर खा सकते हैं। और ये देखिए शुगर केन कितनी सफाई से बन रहा है, ये देखिए शुगर केन, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी सफाई लग रही है इसमें, मैंगो भी है देख सकते हैं, 100 रुपीज का है, 60 का है। और फिर से थाई फूड आ जाता है। और ये देखिए ये क्या है, लोग जो पैक करवा रहे हैं घर जाके खाएंगे, ये देख सकते हैं। मुझे तो नेम भी नहीं पता इन चीज़ों का। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं ये चीज़ें, और घूम सकते हैं इधर भी। ये आप देख सकते हैं कि रोड पे ही जो है भगवान की मूर्ति लगी है, लोग जो है प्रे कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत ही अच्छी ये है, बनी हुई है भगवान की जगह, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है कि चलते चलते भी आप प्रे कर सकते हो भगवान को। ऐसे ही चलते जा रहे हैं प्लैटिनम मॉल के बाहर, और कुछ ऐसे स्टॉल्स जो है आते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे फ्रूट्स है। रिकमेंड करूंगा आप सबको कि सभी फ्रूट्स एक बार जरूर ट्राई करें जब भी आप थाईलैंड आओगे, खासकर ये कोकोनट वाटर तो मस्त है, जो कि फेमस है थाईलैंड में। और अनार का जूस भी है, मौसमी का जूस भी है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत तरह के जूसेस है। देखिए कितना अच्छा मौसम है। और ये देखिए लोग टुक टुक का मज़ा ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं इस मॉल में जिसका नाम है प्लैटिनम मॉल है, देख सकते हैं यहाँ का ट्रैफिक कितना अच्छा है। ऐसे ही सड़क क्रॉस कर रहे हैं हम प्लैटिनम मॉल में जो है, अब हम जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने है। ये दिखाते हैं आपको अंदर से भी ये वाला मॉल कैसा है। देखिए एंट्रेंस जो है इसकी कैसी है, क्रिसमस का ट्री भी है और साथ में प्रे करने के लिए भी है, भगवान की पिक्चर शायद हो सकती है ये, कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ मैं क्योंकि इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। देखते हैं अंदर से कैसा है ये मॉल। द नेम ऑफ दिस मॉल इज द प्लैटिनम वर्ल्ड शॉपिंग, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। हियर इज द एंट्रेंस, शायद यहाँ से होगी एंट्रेंस। बहुत ही क्वाइट है अंदर से ये भी मॉल।
कुछ खास तो नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं थोड़ा सा चल के कैसा है ये अंदर से। निकल रहे थे, सोचा कि कुछ मैकडॉनल्ड से खा लें, काफ़ी लोग यहाँ पर खा रहे हैं मैकडी में, गर्मी बहुत है, कुछ लेते हैं ड्रिंक और कुछ हल्का फुल्का खाने को। तो मैकडॉनल्ड से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाया था स्पेशल वेजिटेरियन बनवा के। बाहर भी बारिश होना शुरू हो गई है, देख सकते हो तक बारिश हो रही है, देखते हैं अंदर ही इस मॉल में देखते हैं क्या है। और जब थोड़ी बारिश कम होती है तो जाते हैं फिर बाहर कहीं और मार्केट वगैरह में। तब तक देखते हैं ये कैसा है ये प्लैटिनम, बहुत ही क्वाइट है, कुछ खास नहीं है, बाकी मॉल जैसा ही है, ये भी क्लोज ही क्लोज है। और कुछ ऐसा सामान भी है, बिल्कुल भी रश नहीं है, बहुत ही क्वाइट मॉल है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस मॉल पे आए, क्योंकि मैं भी बोरिंग फील कर रहा हूँ इस मॉल में आकर। बहुत ही शांति लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर फिर भी कुछ लग रहा है, देखते हैं। बैग्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छे, और एक गेट ये भी है।